सरकार देखी है और आम मतदाता के मन में एक विश्वास जमा है कि अगर स्थायी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से विकास मेरे गांव तक, मेरे घर तक पहुंचेगा। और जो हमने डबल इंजन का नारा दिया है, आदरणीय मोदी जी ने 2014 से ही उनकी सारी योजनाएं गांव केंद्रित रही है। और इसके साथ साथ पिछले 5 वर्षों में रघुवर सरकार ने जो योजनाएं जोड़ करके चलाई है वो झारखंड के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक पहुंची है। और इसलिए मेरा मानना है कि आगामी 23 तारीख को पुनः प्रदेश में बीजेपी का झंडा फहराएगा और हम 65+ करके पुनः सत्ता में आएंगे। आपको कुछ पूछना हो? खत्म हो गया, कहाँ दिख रहा है? मुझे लगता है अमित शाह जी की बात को सही ढंग से आप देखें। उन्होंने कहा है नक्सलवाद पे लगभग लगाम लग चुकी है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं नक्सलवाद के पूरे 5 सालों के और उससे 5 सालों के डेटा मेरे पास उपलब्ध है। आप अगर डेटा लेंगे तो निश्चित रूप से जवान कितने शहीद हुए थे और 5 वर्षों में कितने शहीद हुए। पूरे 5 वर्षों में एक घटना घटी है और ये मेरे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है। लेकिन सर, कभी 19 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव शुरू भी नहीं हुआ और नक्सली हमला हो गया, जैसा कल हुआ। हाँ, हुआ है ना, इसीलिए तो चुनाव आयोग ने 5 चरणों में, एक तरफ तो आप कह रहे थे इसलिए चुनाव आयोग का डिसीजन भी सही था, और हम जो कह रहे जो डे टू डे की मतदान के बाद हाँ हो सकता मैं बता रहा हूँ आपको कि इसलिए ये नक्सलवाद को एकदम समाप्त हो गया कहना गलत है हमारा। हमने यही कहा कि लगभग लगाम लगी है और अध्यक्ष जी ने भी यही कह के गए। पर तो मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं बंधुओं, ये पूरे देश में अब साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अकेले कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और इसलिए चुनाव में चाहे आपस में एक दूसरे के खिलाफ खूब बोले हो, कोई विचारों का तालमेल नहीं हो, कोई चुनाव पहले का गठबंधन नहीं हो, लेकिन चुनाव के बाद कैसे गठबंधन किया जाए, इसको मैं गठबंधन ही ये तो कहूँगा ठगबंधन है, स्वार्थ का बंधन है, वो कोशिश करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ सब चीज़ों का जवाब आप 23 को लेना। मेरे जिन लोगों की टिकट कटे उनका आधार क्या था, जो कई सीटिंग एमएलए के भी टिकट आपने काट दिया? आधार पार्टी, पार्टी निर्णय करती है टिकट, कोई व्यक्ति का टिकट थोड़ी होता हमारे यहाँ पार्टी में। नहीं, मैं कहता हूँ पार्टी निर्णय करती है।